तस्वीरें आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ से, और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ के सारंगपुर, जहां पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। सौ को ले जाने के लिए लज्जित होने की जरूरत नहीं है, उसको घर तक सरकार छोड़ के आएगी, सरकार पैसे देगी, के सम्मान के साथ हमारा संवेदनशील निर्णय। इस निर्णय से हमको आत्मसंतोष मिलता है। अब आज का समय अलग प्रकार का है, अब ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये संवेदना तो हमको रखना ही पड़ेगी। और ये एक दो नहीं, ऐसी लंबी लाइन बता सकता हूँ, कई सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन अभी ये सारी बातें इसलिए बताया कि आपने जो विश्वास व्यक्त किया, ऐसे निर्णय करते करते हमने आपके मन को जीतने का प्रयास किया। अब ये हमारी सिंगल इंजन की सरकार है, अब सरकार डबल इंजन बनाने का समय आया। और जिनकी बात कर रहा हूँ, जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए। अब ये चुनाव उनकी तरफ लाना, हमने दो बार नरेंद्र मोदी जी को चुनाव में वोट देकर जिताया, और दोनों बार का चुनाव हाँ हमको गर्व से कहने के लिए मजबूर करता है, सारे असंभव का संभव करते हैं। इसीलिए कहते हैं मोदी है तो कहते कि नहीं कहते, जोरदार ताली बजा मोदी है तो बोल बोल से फैसले बताओ, असंभव फैसले। धारा 370 ऐसा कहते हैं, ऋषि भी कश्मीर में आने के लिए तरसते थे, ऐसे स्वर्ग से सुंदर कश्मीर को कांग्रेस और उनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने खून का अड्डा बना दिया, अखाड़ा बना दिया, निरपराध महिला, बच्चे, बूढ़े, पुलिस जवान, सेना के जवान, क्या कितने प्रकार का खून का नाटक हुआ है वहां। ये सारे पाप अगर किसी के माथे पे है तो कांग्रेस के माथे, कितने बेसरों में कांग्रेस के लोग कैसे वोट मांगने आते हैं, कहते धारा 370 हटाना असंभव है। अरे भैया आंखें हो तो बोलो जोर से, देख लो आंखें हो तो देखो, हटी के नहीं हटी। और ये बेसरम कह रहे थे धारा 370 हटी तो देश में गृहयुद्ध हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, आग लग जाएगी। अरे एक पत्ता भी नहीं खड़का, पत्ता भी एक पत्ता भी खड़का हो तो बताओ, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ। देश इसने फैसला लिया, क्या हिंदू क्या मुसलमान इतने आनंद से कश्मीर में है, सबका काम धंधा बढ़ रहा है। अब कश्मीर की तो छोड़ो, वो पाक अधिकृत कश्मीर वाले भी वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी काश हमको भी मिला लो, हमको नहीं लेना है दरिंदों के बीच में, हमको भी भारत में मिलना है। बोलो भारत माता की, ये समय हमारा है। अब ये सारे पाप याद आते 1947 के, जब 47 में देश का बंटवारा किया था, ये कांग्रेस के माथे कलंक, किसी मुस्लिम बंधु ने नहीं मांगा था, लेकिन देश के बंटवारे के समय ना भाजपा थी, ना जनसंघ थी, ना जनता पार्टी, पार्टी थी तो कांग्रेस, लेकिन अंग्रेजों के समय जो नहीं हुआ वो कांग्रेस के समय हुआ। देश का बंटवारा करने का पाप अगर किसी के माथे है तो वो कांग्रेस के माथे, कांग्रेस ने देश का बंटवारा कराया, और कांग्रेस ने बंटवारा कराया और तब से लेकर आज तक बिना बात के हिंदू मुस्लिम को अलग अलग भाव, अरे एक शरीर की दो भुजाएं, ये एक साथ रहती है, कभी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जान करते कांग्रेस राम मंदिर के मामले को लेकर लेकर डराती रही। अरे क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब मन के मानते हैं कि भाई अगर हिंदुओं की आस्था है, हिंदू बड़ा भाई है तो क्या गलत है, लेकिन जान करते लाते ही वो, मुझे इस बात का धन्यवाद देना पड़ेगा, जोरदार ताली बजाओ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। जितने प्रश्न उठाए थे, जिन जिन लोगों ने विषय खड़ा करा था, सबने कहा कि भाई अयोध्या में सरयू के किनारे अगर भगवान राम का मंदिर बनता है तो हमें तो खुशी इस बात की है, जो 70 साल से मुकदमा लड़ रहे थे दूसरी तरफ से, उनने नहीं कहा कि हमने कहा था कि कोर्ट से फैसला करा लो तो हम भी साथ, और उनने भी जाकर के वो भूमि पूजन कार्यक्रम में ताली बजा करके हमारे उस आनंद का उत्सव लिया। हिंदू मुस्लिम क्या एकता का प्रमाण बना, कौन से देश में आग लग गई, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। इसी 22 जनवरी को प्रभु राम जब अयोध्या में मुस्कुराए, कितना आनंद आया, बोला जय श्री राम। और अब क्या अयोध्या, और आगे बढ़ो, अरब के अंदर हमने सबने देखा,
अबू धाबी में भी, वो तो पूरा मुस्लिम देश है। जब देश मजबूत होता है, देश का प्रधानमंत्री मजबूत होता है, सरकार मजबूत होती है, तो विश्व इसी प्रकार से स्वागत करता है जो हमने अपनी आंखों से देखा। क्या अयोध्या, वो क्या अरब, वहां पर भी मंदिर बना करके उस आनंद में शेख भी सम्मिलित हुए और माननीय प्रधानमंत्री भी सम्मिलित हुए। जोरदार ताली बजाओ अपनी संस्कृति के लिए। ये उदाहरण बनना चाहिए। हमारे धर्मों के लोगों को केवल वोट बैंक के आधार पर लड़ाओगे, ये बात भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी जी इसी बात के लिए जाने आते हैं। 10 साल हो गए, बहुत से दंगे हो गए, किसको परेशानी आ गई, क्या हिंदू मुसलमान, ये हमेशा 13 के पहले मोदी जी के बारे में क्या क्या कहते थे, कितना कितना बोलते थे, सब बात का एक जवाब है। आप देखो, पाकिस्तान गड़बड़ करता है तो घर में घुस के उसको ठिकाने लगाने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं, ये हमारे सामने उदाहरण है। लेकिन बांग्लादेश भी मुस्लिम देश है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रक्षाबंधन पे राखी भेजती है तो हमारे प्रधानमंत्री साड़ी भेजते हैं। ये भाईचारा रहना चाहिए। पड़ोसी तो पड़ोसी होता है, कोई धर्म के आधार पर थोड़ी चलता है। अरब का उदाहरण मैंने अभी आपके सामने दिया, अरे एक नहीं कई उदाहरण दे सकता हूँ। रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, दोनों कट्टर दुश्मन, लेकिन भारत के 20,000 बच्चे उसमें फंसे थे। युद्ध की घोषणा हो गई, गोली चल रहे, बम चल रहे, माननीय मोदी जी ने दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों से बात की, उनसे कहा भाई आप लड़ना और लड़ते रहना, मेरे निरपराध बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, उनके माँ बाप चिंता कर रहे हैं, भारत की चिंता है कि इनको बाहर आना चाहिए। आनंद के साथ ताली बजाओ, 20,000 बच्चे केवल भारत माता की जय करके झंडा लेकर के आए, दोनों की तरफ से कोई तकलीफ नहीं। ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए। और भारत के पीछे पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले भी आ गए, वो भी भारत माता की जय जयकार कर रहे थे। ये ऐसा हमारा प्रधानमंत्री चाहिए। ये है अपना हिंदुस्तान जिसकी खुशबू दुनिया में महकती है। इसलिए ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार भारत में एक बार फिर सरकार बनाने के लिए आह्वान कर रहा है। इसलिए ये चुनाव तुम्हारा, मेरा, गुरुमल जी का, विश्वास जी का, किसी का चुनाव नहीं। ये चुनाव देश की अस्मिता का है। देश को दुनिया का नंबर एक देश बनाने का चुनाव है और नंबर एक मध्य प्रदेश बनाने का है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार को मदद मिल रही है, आप अंदाज लगा लो, ये रेल भोपाल से रामगंज मंडी अगर संभव हुई तो एकमात्र कारण है, जोरदार ताली बजाओ, नरेंद्र मोदी जी के कारण। असंभव थी ये, इसके अलावा कोई सोच नहीं सकता था। 150 करोड़ रुपया 2013 तक मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से रेलवे पे खर्चा होता था, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड प्रमाण है। लेकिन मुझे खुशी है, इसी साल अभी तो लेखा अनुदान आया, भारत सरकार का पूरा बजट नहीं आया, लेकिन 15,500 करोड़ की रेल लाइनों की, रेल सुविधाओं की सौगात अपने मध्य प्रदेश को मिली है। जोरदार ताली बजाओ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कितना पैसा दे रहे हैं, कौन से क्षेत्र में छोड़ रहे, ये आपका मेडिकल कॉलेज, ये सारे डैम 90% सरकार की मदद से हो रहे हैं। सरकार के माध्यम से हर किसान के खेत में जल जा रहा और हर व्यक्ति के घर में नल के जल आने की ये व्यवस्था भी भारत सरकार ने की। इतनी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज समय कम है। आज अपने जोरदार ताली बजा, मध्य प्रदेश की धरती पर फिर मोदी जी आ रहा है, जोरदार ताली बजा, आपके माध्यम से उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आज से अभी से 1.5 घंटे बाद वो जबलपुर की धरती पे आएंगे और जबलपुर की धरती पे आएंगे तो हमारी गौरवशाली परंपरा के साथ हम और आप संकल्प करें, जिस विश्वास से वो आ रहे हैं और उस विश्वास के भरोसे से हम और आप प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। बोलो सब तैयार है तो खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, बांध लो मुट्ठी और संकल्प करो, आने वाले वोटिंग के दिन तक एक एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी बनकर, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर, भारत की जय जयकार कराने के लिए शांति से नहीं बैठेगा। बोलो सब तैयार है, तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारी पार्टी में आने वालों के लिए जोरदार तालियां बजा दो आप सबके।
आपसे मिलता हुआ जरूर रहूंगा और हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष और बाकी लोग आपको विधिवत आमंत्रित करेंगे। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे सारंगपुर से। पीएम मोदी ने सारे असंभव कामों को पूरा किया है, ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया है, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ और ये चुनाव देश की अस्मिता का चुनाव है, ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का। तो सारंगपुर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने सारे असंभव कामों को पूरा किया है, ये मुख्यमंत्री ने कहा।